हेलो फ्रेंड्स, आज हम एग स्टफ ब्रेड बनाने वाले हैं। मतलब हम अंडे की स्टफिंग करेंगे इस ब्रेड में। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने में और खाने में लाजवाब होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है। चलिए इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्याज ली है जिसको मैंने बारीक काट लिया, धनिया पत्ती है, एक टमाटर है और दो हरी मिर्ची है। सबको बारीक चॉप कर लेंगे, बारीक काट लेंगे। और फिर इसके बाद हमने एक कटोरा लिया है, एक कटोरे में हम ये सारी सब्जियाँ डाल देंगे, प्याज, हरी मिर्ची वगैरह। फिर इसके बाद हम इसमें अंडे डालेंगे। तो यहाँ पे मैं चार अंडे ले रही हूँ, दो लोग के हिसाब से बना रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग मीन्स आपको जितना खाना है आप उतना अंडे ले सकते हैं। और इसी घोल से ना, इसी बैटर से आप ऑमलेट भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने चार अंडे ले लिए हैं। अब इन अंडों को फोड़ लूँगी, फोड़ के उसी बाउल में डाल लूँगी। तो चम्मच से इस तरीके से टिक टिक करना है, फिर उसके बाद में इस तरीके से अंडे फोड़ना है। इस तरीके से अंडे फोड़ना बहुत ही आसान है, इधर उधर भी नहीं गिरेगा और ईज़िली आप फोड़ सकते हो। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही आसान है गाइज। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस मिलते रहें। वर्किंग मॉम्स के लिए इजी रेसिपीज़ और बच्चों को घर पे कैसे पढ़ाना है, वीडियो शेयर करती रहती हूँ। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन पर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी देख सकते हैं। अब देखिए, अंडे डाल के मिक्स कर दिए। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक। तो मसाले मैं यहाँ पर नहीं डाल रही, आप चाहो तो डाल सकते हो। मैं लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे नहीं ले रही क्योंकि हरी मिर्ची ज़्यादा है। आप चाहो तो थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च डाल सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है। ब्राउन ब्रेड जो है हेल्दी होता है, आप वेट लॉस के लिए भी ये वाली रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हो, बना सकते हो घर पर। तो इसके अंदर का हम जो ब्रेड है वो निकाल लेंगे, चाकू से निकाल लीजिए, अदरवाइज हाथ से भी ईजिली डायरेक्ट निकल जाता है बिना चाकू की हेल्प से। तो इस तरीके से बीच में हम चौकोर सा शेप दे देंगे। और यहाँ पर हमने पैन ले लिया, उसमें लगा लिया थोड़ा सा घी और ब्रेड को रख दिया है। अब ब्रेड के बीचों बीच हमने जो बैटर तैयार किया है अंडे का, उसको पोर कर देंगे, उसको डाल देंगे। तो जितना भर जाए मीन्स उतना डालना है, आप चाहो तो चम्मच से डाल दीजिए या फिर ऐसे ही पोर कर दीजिए, इतना भर के डालना है। फिर इसके बाद हम इसको थोड़ी देर सिकने देंगे और यहाँ पे हम लो टू मीडियम फ्लेम ही रखेंगे ताकि जो ऑमलेट है अंदर जो हमने एग भरा है वो अच्छे से मतलब सिक जाए नीचे की साइड से। जब नीचे की साइड से सिक जाएगा, देखिए ये मतलब इधर उधर खिसकने लगा है ना, ये हो गया है। तो अब हम इसमें ऊपर की साइड ब्रेड की स्लाइस लगा देंगे, कवर कर देंगे और फिर इसको पलटा देंगे, फ्लिप कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद फिर हम इसमें दोनों साइड घी लगा देंगे। और घी लगाने के बाद बस हमारा ब्रेड एग स्टफ ब्रेड तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी एंड हेल्दी होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप प्रेगनेंसी में, वेट लॉस के समय, मतलब हेल्दी रूप में इस रेसिपी को खा सकते हो जब आपको मतलब, और इजी भी बन जाता है। इवन आप टिफिन में भी रख कर ऑफिस ले जा सकते हो, फिर उधर ऑफिस में जाके माइक्रोवेव में गर्म करके खा लीजिए। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है मेरे सपोर्ट के लिए, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही मैं वर्किंग मॉम्स के लिए रेसिपी शेयर करती रहूँगी क्योंकि मुझे पता है जो वर्किंग मॉम्स हैं वो मीन्स किचन मैनेज करना ऑफिस के साथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, मैं भी अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ और किचन मैनेज करती हूँ और बच्चा भी मैनेज करती, तो ये चीज़ें लिटिल डिफ़िकल्ट होती हैं वर्किंग मॉम्स के लिए। तो इसलिए मैं इजी रेसिपीज बताती रहती हूँ ताकि आप लोग भी घर पे ऐसे ही इजी एंड क्विक रेसिपीज घर पे ट्राई कर सकें जो कि हेल्दी हो, टेस्टी हो और बच्चा भी आसानी से खा सके। तो चलिए, रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।